इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो चुकी है। आज सुबह दोपहर तकरीबन 1 बजे से उनसे ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे थे। ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और आपको बता दूं, विधायक दल का अगला नेता भी चुन लिया गया है, और अगला नेता जो होंगे वो चंपाई सोरेन होंगे। चंपाई सोरेन सरायकेला से विधायक हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के काफी सीनियर विधायकों में से एक है वो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, पर उन्हें फिलहाल जेल नहीं भेजा जाएगा, उन्हें कैंप जेल में रखा जाएगा। रांची के ही किसी बड़े अधिकारी के आवास को उनका कैंप जेल बनाया जाएगा, अब तक जो जानकारी है। साथ ही साथ ये भी जानकारी है कि फिलहाल चंपाई सोरेन के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा, रजद और कांग्रेस के तकरीबन 42 विधायक बड़े नेताओं संग, जिसमें कांग्रेस के, माफ कीजिएगा कुछ तकनीकी कारणों से हमारा लाइव बीच में रुक गया था, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ काफी सीनियर विधायक नेताओं के साथ तकरीबन 42 विधायक 3 बसों में सवार होकर राजभवन पहुंच चुके हैं और किसी भी वक्त गवर्नर से मिलकर चंपाई सोरेन के नाम की पेशकश कर दी जाएगी। और आशंकाएं ये भी जताई जा रही है कि कल सुबह तकरीबन 11 बजे का समय जो है शपथ ग्रहण के लिए मांगा जाएगा। तो फिलहाल की